that is half into base into height. Now, in case we don't know the height, right? So what we have to do? We only knows the length of the sides. Let's say we have this triangle. ABC, right? And we have the length of the side A, B, and C, right? Just the right, bachcho? Just wait for a minute. Section B is also joining. हाँ जी, सेक्शन बी, आर यू देयर? सेक्शन बी, राइट बच्चों? सेक्शन बी, कैन यू सी द स्क्रीन? यस ओके, राइट. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट हीरोज फॉर्मूला. व्हाट वाज द नीड फॉर हीरोज फॉर्मूला, राइट? सो इन केस वी डोंट नो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, but in place of that we know the length of all the sides, so we have this formula called Heron's formula. Now what is Heron's formula? So area of triangle when you know all the three sides, right? Bachcho, what is the perimeter of a triangle? Sum of all sides. There is a term called semi perimeter which is represented by the letter small s, and it is equal to A plus B plus C divided 2. So area of the triangle in this case is s into minus A, S minus B, S minus C under root. under root. Very good, बच्चों. ठीक है जी. So this is the formula to find out the area of the triangle when all the three sides are given. Now we'll see how to solve the question from this. Let's say we have been given A 4 cm, B as 3 cm, and C as 5 cm. If we have to find the area of this triangle, how to find out? Now, first of all, find out the S. What will be S? A, right बच्चों? So what S comes out to be? Six. 6. So area will be equal to S into S minus A, S minus B, and so what it becomes? 6 into 2 into 3 into. Is it clear? Now you can see, whenever you have to solve the square root, please, my humble request, don't multiply, rather make the factors. ठीक है बच्चों, हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड किए थे, वी हैव डन टू मेथड्स. वन इज बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, अदर बाय द लॉन्ग डिवीजन. सो बच्चे, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाना है यहाँ पे. डू अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन. जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो दोनों का पेयर बन रहा है बेटा. सो आपके पास क्या क्या आ जाएगा? 6. सेंटीमीटर स्क्वायर दिस विल बी योर एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया। इज इट क्लियर? यस किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चन है बच्चे, राइट? सो वील बी डूइंग नाउ द असाइनमेंट्स. सो आई हैव टेकन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स ओनली, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन विल सी. ए ट्रायंगुलर पार्ट ए बी सी हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर. मीन्स लेट ए हेयर इज 120, बी 80 मीटर एंड सी 50
50 मीटर। ए गार्डनर धनिया हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, राइट। देखिए बच्चे, आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिए, प्लीज डोंट स्टार्ट, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड। ठीक है, गार्डनर हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। टू पुट द फेंस व्हाट वी शैल रिक्वायर, ये देखिए गार्डन है बच्चों, फेंस अभी कहाँ पे लगाते हैं बच्चे हम, बाउंड्री वॉल पे। सो व्हाट वी रिक्वायर हेयर, पेरीमीटर। पेरीमीटर सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट इज हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, राइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। डायग्राम बना हुआ है बच्चे, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक 3 मीटर वाइड गैप छोड़ना है और बाकी जगह पे क्या करना है, फेंसिंग लगानी है। दिस इज क्लियर, ये आपने फेंसिंग लगा दी इधर, इज इट क्लियर। सो व्हाट यू हैव टू रिक्वायर, यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स। फर्स्ट इज व्हाट यू रिक्वायर, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग एंड सेकेंड हाउ मच एरिया शी हैज टू प्लांट द ग्रास। सो फेंसिंग के लिए क्या करेंगे हम, पेरीमीटर निकाल लेंगे बच्चे, बट पेरीमीटर में से 3 मीटर सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि गेट के आगे तो फेंसिंग नहीं लगेगी ना, ये लगेगी लगेगी नहीं लगेगी बच्चे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द पैरामीटर हेयर, 120 प्लस 80 प्लस 50, सो इट कम्स आउट टू बी 250 मीटर। सो लेंथ, हाँ जी बोलिए बच्चे, नो समबडी वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। no. लेंथ ऑफ द बाउंड्री वॉल टू बी फेंस्ड कितनी हो जाएगी बेटा, 250 माइनस 3 मीटर, इट कम्स आउट टू बी राइट। एंड नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, 47 into 20 247 into 20, कैलकुलेट करो बच्चों कितना आया ये। हाँ जी, राइट। सो दिस मच अमाउंट नीड्स टू बी रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग। क्लियर है बच्चों, कोई Yes. डाउट। No. सेकेंड केस आ जाते हैं हम, एरिया फाइंड आउट करना है, ये करेंगे आप लोग एरिया, प्लीज Yes. डू इट बच्चों।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, फार्मूला पुट करके स्क्वायर रूट सॉल्व करना है बस। सर हाँ जी, डन। डन हाउ मैनी ऑफ यू हैव डन, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से कीजिए बेटा। हाँ जी बच्चों, चलिए मैं एक एक बच्चे को बुलाता हूँ जरा। कितने बच्चों ने कर लिया बेटा, प्लीज रेज योर हैंड नाउ। कोई चार पांच बच्चे ही नजर आ रहे हैं मुझे, बाकी तो अभी भी सेक्शन ए सबसे लास्ट वाली रो आ जाए जरा आगे। चार पांच लोग जितने भी हैं सारे आ जाओ जरा, जल्दी आ जाओ, कम फास्ट, अपनी नोटबुक्स लेके आना सारे। सेक्शन ए, एक ए से बुलाया बेटा मैंने, सेक्शन ए नॉट सेक्शन बी, सेक्शन ए ओनली। हाँ जी बच्चे, हो गया आपका फर्स्ट स्टूडेंट, क्या यस सर। किया बताओ जरा मुझे जरा, कितना सर पहले इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड किया आया बेटा? वेरी सर, 125। गुड, उसके बाद क्या किया? सर इसके बाद ये फॉर्मूला लगाया था एस सर। इधर आ जाओ, पहले तो आप स्क्रीन पे आओ, मेरे को नजर नहीं आ रहे हो जरा, थोड़ा सा इधर आ जाओ फ्रंट पे। हाँ वेरी गुड, हाँ जी आप बोलते जाओ जरा। इसके बाद नोटबुक अपनी है ना बेटा ये? यस अच्छा अच्छा हाँ जी बोलिए। सर, इसके बाद अंडर रूट लगाकर 125 हाँ आगे बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ बेटा। -120। -120, वेरी गुड, आगे। हाँ जी, एंड यहाँ पे क्या आएगा? 50 जी, तो क्या क्या वैल्यूज आ गई इनके? हाँ जी सर बोलते जाओ। हाँ आगे जी, सर, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए आप जरा, फाइव नेक्स्ट आ जाओ। हाँ एक ही नोटबुक सारे लोग लेके आ रहे हैं ना, सेम नोटबुक है बेटा? सर।
हाँ जी बोलिए यार, आगे बोलिए, क्या करना है। अच्छा इतना ही किया है, चलो आगे इकट्ठे करते हैं। बताओ जरा क्या किया आगे, आगे क्या करना है बेटा। माइक पकड़ो हाथ में और बोलो, डोंट वेस्ट टाइम। तो सर फैक्टर बनाने हैं। सर बनाइए फिर जरा, नाल नाल बनाने हैं, दसो। फाइव से मल्टीप्लाई करना। बैठ जा यार तू, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए, कम फास्ट। हाँ जी बच्चे, क्या किया आगे। सर फाइव है मल्टीप्लाई, फाइव हुँ। है मल्टीप्लाई फाइव, हुँ। सर मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई अच्छा जी, थ्री फाइव, मल्टीप्लाई फाइव, शुरू से बता मेरे को बेटा। फाइव फाइव है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फाइव, हाँ फाइव हाँ फाइव हाँ मल्टीप्लाई थ्री, राइट मल्टीप्लाई थ्री, राइट राइट आगे, मल्टीप्लाई में फाइव, सर राइट आगे, मल्टीप्लाई फाइव, ये मल्टीप्लाई थ्री, बन गए फैक्टर सारे। कितनी बार फाइव आ रहा है आपकी टेबल में, देखो जरा। सर 7 टाइम्स। 7 टाइम आ रहा है, 4 5 6 7, ठीक है। और थ्री कितने टाइम आ रहा है, हाँ जी बोलो जल्दी बोलो, थ्री टाइम, थ्री थ्री टाइम। टाइम तो इनके पेयर बना दिए बच्चे, जिन जिन के पेयर हैं वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों थ्री का पेयर बन गया, तो सर। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, दिस फाइव एंड दिस थ्री, तो प्रोडक्ट अंदर आ गया बेटा। तो यहाँ कितना बन गया, 125 इंटू थ्री, 7 5 अंडर रूट 15। दिस विल बी द आंसर। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर स्क्वायर। हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाइए जरा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी बेटा, सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। बाय टू। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। सर अच्छा मुझे बताना, ये पहले वाले ये कहां से आए, फाइव प्राइम फैक्टर किसके, करते सर जो ये आंसर आया था सर उसको। आपको समझ आ रहा है कुछ सर बेटा। सेक्शन ए में फ्रंट बेंच पे दो गर्ल स्टूडेंट बैठी है, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, प्लीज स्टॉप टॉकिंग, दैट स्पेक्स गर्ल एंड एडजेसेंट गर्ल। हाँ जी बच्चे, किस किस के फैक्टर बनाए, 125 के क्या क्या फैक्टर बने बेटा। हाँ जी टेल मी, बस नकल मार के लिख दिया है, पता नहीं क्या किया है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाए। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट है आपके पास, ले लो किसी से साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताओ आपको समझ आ रहा है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, द साइड्स ऑफ द वॉल आर, बेटा एक ट्रायंगुलर वॉल है राइट, इसकी साइड गिवन है, वन साइड इज 122 मीटर, अनदर इज 120 मीटर,
एंड थर्ड वन इज क्या बच्चे, राइट, यस द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। क्या करना है बेटा इसमें बताओ जरा मुझे, क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से बताओ, टाइम नहीं वेस्ट करना। पहले सेमी पेरीमीटर निकालना है, फिर अच्छा जी, उसके बाद, एरिया, उसके बाद, उसके बाद, एरिया के बाद, बोलो सेट, बोलो। हाँ जी, वैल्यू से डिवाइड कर देना। आपने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, फिर एरिया निकाल लिया, फिर क्या करना है? पेरीमीटर ये 5,000 को कैसे यूज करना है जो कॉस्ट गिवन है बेटा? सिट डाउन, नेक्स्ट स्टूडेंट। जल्दी आ जाओ बेटा। हाँ जी, क्या करना है बेटा आगे इस क्वेश्चन में बेटा? मैंने तेरी कोई फोटो तो खींच के मुंह, मतलब आप आके खड़े हो गए, कुछ बोल नहीं रहे, यस नो कुछ तो बोलो ना। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट? बेटा यस नो बोलना आता है कुछ? समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया तो बताओ बेटा, क्या करना है फिर आगे? दे दो कोई फ्रंट बेंचर, कोई शीट दे दो एक बच्चे को। हाँ जी, क्या करना है बेटा? सर 5,000 को सर 12 से डिवाइड कर देना है। अच्छा, और उसके बाद बस इतना ही बताया पीछे वाले लोगों ने, आगे नहीं बताया है? देखो बच्चे क्या करना है आपको, सबसे बैठ जाओ बेटे सारे लोग। सबसे पहले एरिया निकालना है, राइट? 5,000 रुपीज जो कॉस्ट है वो 1 ईयर के लिए है। कंपनी हैज हायर्ड दिस एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ्स। ध्यान से देखो बच्चों, तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स निकालनी है, कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स। ये कैसे हो जाएगी बेटा? 3 मंथ बाय 12 इंटू 5,000, यस तो ये आ जाएगी कॉस्ट बेटा, राइट? यस एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो दैट कंपनी हैज टू एक्वायर फॉर 1 क्वार्टर, राइट? सो दिस कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय 4। सो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट द एरिया बाय 1,215 टू गेट द कॉस्ट। अब जल्दी से फाइंड आउट कीजिए जरा एरिया कितना आ रहा है, प्लीज डू इट फास्ट। एरिया सेमी पेरीमीटर बताइए कितना आया है इसका बच्चे? 132 आ रहे हैं, तो ये हो गया 344, 364 हो गया ना, 132, राइट? 132 कैसे आ रहा है बेटा? 264 बना ना ये, ठीक है। 122 प्लस 22 बाय 2, राइट? दिस कम्स आउट टू बी 132। सो एरिया विल बी 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120, एरिया ये आ गया बेटा। पहले बता दो जरा मुझे फैक्टर्स क्या क्या बने इसके। गया। 10 इंटू 110 इंटू, यस बच्चों देखिए फैक्टर्स क्या बनेंगे बेटा, यहाँ पे 12 और 11 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट बन रहा है, ये है 12 और 11 का प्रोडक्ट, यहाँ पे आ गया 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12। सर
देखिए 12 भी पेयर है, 11 भी पेयर है, और 10 भी पेयर है। पेयर, सो एरिया कितना आ गया बच्चा है? 1320 मीटर स्क्वायर। 1 × 11 × 1320 मीटर पर, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1320 × 1250, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर? हाँ जी, आगे बच्चे ज्वाइन कर लिए वापस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा 1320 को 1250 से, राइट? यू विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55, 25, 75 प्लस 40, 125। ये आ रही है बेटा कॉस्ट? यस बच्चों, इज दिस द कॉस्ट? जी ईशान, बच्चे इज दिस क्लियर? यस। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चन।